अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल उमेश की। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रोकन ग्लास जेलो। उसके लिए यहाँ पे हमने तीन किस्म की जेली ले ली है और इनको हमने सेट कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास स्ट्रॉबेरी में है और मैंगो और बनाना। यहाँ पे हमारे पास एक कप मिल्क है जो कि हमने नीम गर्म कर ली है, और जेलेटिन 2 टेबल स्पून जाएगी इसमें, और 1 टिन कंडेंस मिल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने आधा गिलास गरम पानी ले लिया है। अब इसके अंदर हम जेलेटिन हल करेंगे। इसको अच्छे से हमने डिसॉल्व कर लेना है। यहाँ पे जेलेटिन डिसॉल्व हो चुकी है। अब हम एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हमने 1 कप मिल्क ऐड करना है, और इसमें 1 टिन कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम जेलेटिन जो हमने डिसॉल्व करके रखी हुई है वो इसमें ऐड करेंगे। अब इसको कर लेंगे मिक्स। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो कंडेंस मिल्क वो आप 1/2 टिन डाल दें। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। यहाँ पे अब हम जेली काट लेंगे। कोशिश करें कि जेली जो वो प्रॉपर सेट होनी चाहिए। यहाँ पे बाउल के अंदर हम जेली सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम मिल्क ऐड करेंगे जो हमने मिक्सचर तैयार किया था। दोबारा इसके ऊपर हम जेली सेट करेंगे। ये जी, अब दोबारा इसके ऊपर हम मिल्क ऐड करेंगे। और इसको अब हम तकरीबन 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। कुछ ये आपने ख्याल रखना है कि इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। और आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। यहाँ पे ब्रोकन ग्लास जेलो डिज़र्ट हमारा रेडी हो चुका है। इसको हमने तकरीबन 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। अब हम इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले हम एक नाइफ लेंगे और इसके साइडों को जो है किनारों को इस तरह हमने अलहदा कर लेना है बर्तन से। ये जी इस तरह।
अब ये हम इसके ऊपर रखेंगे ये इस तरह, ये जिस तरह ये हमने डिश आउट कर ली है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।